नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। इस समय पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव आयोग इसको देश का महात्योहार के रूप में मना रहा है। उसी क्रम में देवरिया के सातवें और अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस महापर्व पर पूर्व कलेक्ट्रेट परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और प्रत्याशियों के नामांकन के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई घटना ना हो सके। इस बाबत जिला अधिकारी का कहना था कि इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित किया गया है, जालियाँ लगाई गई हैं और सुरक्षा में पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। इस बार भारत निर्वाचन आयोग का यह निर्देश था कि देश का महात्योहार जिससे इसे बेहतर तरीके से सजाया गया। इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित किया गया है, जाली लगाई गई है, पुलिस व्यवस्था भी की गई है। उसके साथ साथ जो है इस बार जैसे भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि ये देश का महात्योहार, अच्छी सजावट हम लोगों ने की है पूरे परिसर की। देश का महात्योहार है आयोग के, ये इस बार एक थीम है। उसी के अन्य जिलों में भी काम हुआ, हम लोगों ने भी इसी तर्ज पर काम किया।